तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि खाता बुक का जो एड स्टाफ का जो ऑप्शंस अभी नया जो आया है खाता बुक में, तो टोटल फीचर्स मैं बताने वाला हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको खाता बुक का स्टाफ एड से रिलेटेड सारा फीचर्स बताया था, मगर कुछ कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर है वो कमेंट करके मुझे बताया था कि ये सब प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और आप कोई भी वीडियो में डालता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मैं उसका वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबा दीजिए कि इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग खाता बुक को पहला सबसे बेसिक चीज को ओपन कर लेते हैं। खाता बुक को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर ही आपको यहां पर ऐड स्टाफ का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला। तो ऐड स्टाफ में आपको चले जाना होगा। ऐड स्टाफ में जाने के बाद सबसे फर्स्ट प्रोसेस है ऐड स्टाफ। तो आपका कोई भी अगर नंबर सेव किया हुआ है, आप यहां पर ही नाम डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो राहुल के नाम से मैं एक आईडी बना लेता हूं और यहां पर ऐड राहुल और कंटिन्यू कर देना हो। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन था कि खाता बुक में स्टाफ को ऐड कैसे करते हैं। तो ये तो ऐड करने के लिए इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालकर, सॉरी इसका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल देना होगा और उसके बाद अटेंडेंस एंड सैलरी को उसको अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद दोस्तों और इसके बाद प्रोसेस डालना है कि उसका मंथली सैलरी क्या है। तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आज का डेट से डाला है आप ऐड स्टाफ कर रहे हैं तो आज ही का डेट आपको डालना होगा, या आप एक तारीख से डेट पे है तो एक तारीख का ही डेट पे आपको डालना पड़ेगा। तो हम एक तारीख के डेट पे डाल लेते हैं सबसे पहला चीज, इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है, आप उसको डेली बेसिस पे पैसा देते हैं या मंथली बेसिस पे पैसा आप उसको सैलरी देते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस बेसिस पे आप उसको हायर किए हो। अगर मंथली में किए हैं तो यहां पर दोस्तों यहां पर जो हाईलाइट मैंने कर दिया है मंथली बेसिस पे, तो आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं और डेली बेसिस पे भी आप उसको कर सकते हैं, हर दिन आप पेमेंट उसको कर सकते हैं। तो यहां पर हम मंथली बेसिस पे कर देते हैं और जिसका जो सैलरी होता है 3000 पर मंथ के हिसाब से हम 3000 उसको सैलरी कर दिए। करने के बाद दोस्तों यहां पर ही आपको सेव करने का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, तो आपको यहां पर ही सेव कर लेना है। तो पहला दोस्तों यहां पर ही हम सेव करने के बाद हम इसको बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद यहां पर ऐड स्टाफ में जाते हैं। तो राहुल के नाम से मेरा एक स्टाफ को ऐड हो चुका। पहला क्वेश्चन जो था स्टाफ को ऐड कैसे करें, तो स्टाफ को ऐड करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस बता दिया। सेकंड प्रोसेस है दोस्तों यहां पर ही खाता बुक उसका बैक डेट कैसे करें। तो पहला चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप प्रीवियस मंथ का बैक डेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है अभी, क्योंकि खाता बुक में नेक्स्ट अपडेट अगर आएगा तो उसमें अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ये खाता बुक की तरफ से होगा कि अगर बैक डेट होगा तो बैक डेट डाल सकते हैं। तो जैसा कि एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि उसमें बैक डेट क्यों नहीं आता है। तो हम राहुल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका जो अटेंडेंस है यहां पर ही देख सकते, देखिए आपको यहां पर ही दिख रहा है, शो कर रहा है कि अगर आप इसको 7 तारीख के डेट पे मतलब आज के डेट पे अगर आपने डाला है और उसको हम चाहते हैं कि उसको बैक डेट पे अटेंडेंस उसका बना दे, तो यहां पर ही कल का अनेबल टू मार्क अटेंडेंस ट्राई अगेन लेटर, इसको नहीं कर सकते आप। हम एक नया आईडी बनाते हैं मतलब नया स्टाफ को ऐड करते हैं, तो ऐड हम स्टाफ कर देते हैं कोई भी नाम से, और नाम से करने के बाद इसको अटेंडेंस एंड सैलरी को अलाउ करने के बाद इसको हम डेट पे चल जाते हैं। डेट पे जाने के बाद दोस्तों यहां पर कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जो कि आप अप्रैल हो मार्च हो उसका सैलरी आप बना सकते हैं, वो प्रोसेस इसमें अवेलेबल अभी नहीं आया। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर ही आप इसी मंथ के 1 तारीख से डेट पे आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सर ये ओवर टाइम हो सकता है कि नहीं।
तो दोस्तों अभी ये इसमें अपडेट नहीं आया है खाता बुक में, जल्दी अपडेट आ जाएगा उम्मीद है, इसमें अपडेट आना चाहिए क्योंकि अपडेट इसमें नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूं, तो यहां पर ही आपका ऑप्शंस है यहां पर ही, तो यहां पर ही टुडे अटेंडेंस, तो इसको हम क्लोज करके इसको ओपन करते हैं। तो इसमें अभी चार ऑप्शन दिया हुआ अवेलेबल है, पहला ऑप्शन है प्रेजेंट अब्सेंट हाफ डे और पेड लीव, तो इसमें ओवर टाइम का ऑप्शन नहीं आया है, हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट जब होगा तो इसमें ओवर टाइम आ जाएगा। तो ओवर टाइम का मतलब आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर 8 घंटा का ड्यूटी है, अगर वो बंदा 10 घंटा 12 घंटा करता है तो ओवर टाइम का उसको अलग से एक्सपेंसेस मिलता है, तो ये अवेलेबल अभी इसमें ओवर टाइम का नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि एक भाई साहब ने बहुत अच्छा से लिखा है कि महीना प्रतिदिन के हिसाब से 14, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि जब भी आप स्टाफ को ऐड करते हैं तो उसमें ऐड स्टाफ में आपको चले जाना होगा, और स्टाफ को ऐड करने के बाद एक्चुअल आपको अटेंडेंस तभी मतलब सैलरी तभी पता चलेगा जब आप एक तारीख से अगर आप करते हैं तो, एक तारीख मतलब अगर एक तारीख से करते हैं तो जैसे अगर उसका 100 रुपया अगर सैलरी है मंथ का तो 3 रुपये के हिसाब से पर डे उसको बनेगा। तो आप अगर 7 तारीख से कर देंगे तो 3 रुपया नहीं बन पाएगा उसका और कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है कि आपको 7 से 7 तारीख तक का आपका अटेंडेंस होगा, मतलब अगर 7 तारीख है तो उसका 3 रुपया बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक भाई साहब ने बहुत अच्छा से किया था, उनको कंफ्यूजन था, तो आप भी जब भी अगर आप स्टाफ ऐड करते हैं, तो जैसे कि मैं एक और स्टाफ ऐड कर लेता हूं, तो यहां पर ही आप देख सकते हैं 7 तारीख का है, तो ये आज के डेट से ये बनेगा। कंटिन्यू कर देते हैं, तो दोस्तों यहां पर ही आप देखिए आज के डेट से मतलब 3 रुपए 23 पैसा इसका पे बनने लगेगा। अगर वो प्रेजेंट है तो ठीक है, अब्सेंट है तो अब यहां भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद है यहां पर लिखा हुआ है स्टाफ को डिलीट कैसे करें, तो डिलीट करने के लिए दोस्तों यहां पर ही आपको जो आईडी है उस स्टाफ का नाम को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद फिर उसके ऊपर में ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर ही डिलीट स्टाफ का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट स्टाफ, तो बस आपको यहां पर जाकर के इसको डिलीट कर देना, बहुत आसान तरीके से डिलीट करना है। तो ये चीज हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आया था और आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मैंने बताया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबा दीजिए कि इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।